मैंने दिस ईयर सेकेंड अटैम्प्ट दी थी एमडी कैट की और मेरे मार्क्स बहुत कम आए। मैंने काफ़ी मिस्टेक्स की थी और मैं ना सेटिस्फाइड हूँ खुद से। मैं चाहती हूँ कि मैं एक लास्ट अटैम्प्ट डूँ विद माई बेस्ट। नेक्स्ट जो भी होगा आई विल एक्सेप्टेड। मैं चाहती हूँ प्योरली मैं एमडी कैट दूँ, कहीं एडमिशन नहीं लेना। बट सब कह रहे हैं कि एडमिशन ले, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। सब डिमोटिवेट कर रहे हैं, MBBS नो मोर वर्थ इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट। लिटरली मेरा यकीन है कि रिस्क देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, वो तो आपको मिल ही जाएगा आप जहाँ भी जाएँ किसी भी फील्ड में। और स्कोप तो आपकी स्किल्स और मेहनत का होता है, ना कि फील्ड का। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज रिसीव हो रही थी कि आपको एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एमडी कैट रिपीट करना इज़ वर्थ इट और डोंट वर्थ इट, और ये फील्ड एज अ जर्नल इज़ वर्थ इट, आपको अब डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेरीज, एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एमडी कैट रिपीट करने की थॉट और डिसीजन से पहले ही आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एट द फर्स्ट प्लेस आपका एमडी कैट फेल क्यों हुआ। आइदर आपको बुक्स नहीं आती थी, MCQ जो बुक्स आए हुए थे आपको नहीं रिकॉल हो रहे थे और आपके MCQ गलत हुए और आपका वो एग्जाम फेल हुआ। सेकेंडली ये कि आपको बुक्स आती थी लेकिन आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स अच्छे नहीं थे, आपने MCQ की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, तो फिर आपके वहाँ पर MCQ ज़्यादा गलत हुए। थर्डली ये हो सकता है कि आपको बुक्स भी आती, टेस्ट टेकिंग स्किल्स भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने बुक के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछे, उन्होंने बुक की लाइन नहीं यूज़ की, उन्होंने डिफरेंट लाइन्स यूज़ की जिससे आप कन्फ्यूज हो गए और आपके MCQ गलत हुए। फोर्थली हो सकता है थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस MCQ आ गए और वो MCQ आप देख के थोड़ा सा पैनिक कर गए और उनके प्रेशर में आपने और भी जो ईजी MCQ थे वो भी ज़्यादा गलत कर दिए। या फाइनली ये हो सकता है कि आपका एग्जाम से एक दो दिन पहले स्लीप स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया, आप ज़्यादा नर्वस हो गए, फिर एग्जाम वाले दिन भी आप नर्वस थे और नर्वसनेस में आपने ज़्यादा MCQ गलत किए। तो रिपीट करने से पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एट द फर्स्ट प्लेस फेल क्यों हुआ। अगर आपके पास कोई रीज़न है ना इन सब में से कि हाँ इनमें से ये वैलिड रीज़न थी, मेरा प्रिपरेशन में लैग कर रहा था, मैं इसकी वजह से फेल हुआ, फिर ही आप सोचेंगे कि आपको MCQ रिपीट करने चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपको एट द फर्स्ट प्लेस यही नहीं पता कि आपका फेल क्यों, आप बस कहने कि हाँ बस वो लक नहीं थी मेरी, किस्मत की वजह से फेल हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि आप इन आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप डिसाइड कर सकें कि आपको MCQ रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ अगर आपको पता लग गया कि आपका MCQ एट द फर्स्ट प्लेस फेल क्यों हुआ, अब डिसीजन ये लेना है कि उसको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम एमडी का रिपीट करने का सोचते हैं ना, गैप ईयर लेने का सोचते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा पूरा साल वेस्ट होगा, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन ना जब इस सिचुएशन में आप आते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। इस सिचुएशन में ना आप थोड़ा स्टे बैक, थोड़ा सा ना जूम आउट करें सिचुएशन से और पूरी दुनिया में एनालाइज़ करें कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में टोटल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा सब में मिलाए ना टोटल 8,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं और उनको उनके ऊपर ना अप्लाई करने के लिए तकरीबन 200,000 बच्चे होते हैं जो एमडी कैट देते हैं। सो अगर इस रेशियो से देखा जाए ना, तो आपके पास 4.1% चांस है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की एग्जाम्पल लें ना, तो वहाँ पर तकरीबन 18 से 20 लाख बच्चे होते हैं जो वहाँ का नीट एग्ज़ाम देते हैं और उनमें जो सीट्स होती हैं उनके पास वो अराउंड 40,000 होती हैं। तो वहाँ पर 2.1% चांस होता है एक बच्चे का कि वो गवर्नमेंट सीट सिक्योर कर सके। फिर अगर UK और USA की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपने मैट्रिक किया, FSC किया, उसके बाद आप MBBS में एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, आइदर बायोटेक्नोलॉजी में होती है, माइक्रोबायोलॉजी में होती है, इस तरह की डिग्री आप पहले करते हैं FSC के बाद, जो कि 3 या 4 साल की होती है, उसके बाद आप MBBS या मेडिकल स्कूल में अप्लाई करते हैं। सो हमारे यहाँ पर जनरली एक बच्चा 18 साल की उम्र में MBBS में आता है, वहाँ पर एक एवरेज बच्चा है ना वो 22 से 23 साल की उम्र में MBBS के अंदर आता है। सो इट्स मीन कि अगर आप पाकिस्तान में 4 साल भी रिपीट करके एडमिशन लेते हैं ना, तो आप एक तरह से उनके पैरेलल हैं टाइमलाइन में। ये मैं आपको ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर जो पूरी दुनिया में बन रहे हैं वो इस फेज से गुजरते हैं ना। वो बात आती है कि आपको एक जनरल पता तो लग गया और आपके माइंड में ये भी क्लियर हो गया, ये जो थॉट होता है कि भाई एक साल वेस्ट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एक साल वेस्ट हो जाएगा तो दुनिया आगे निकल जाएगी, आपकी ज़िंदगी वेस्ट हो रही है, इस तरह ये चीज़ें डजेंट मैटर इन द लॉन्ग रन, इट डज नॉट मैटर। अब आपने अगर रिपीट करने का डिसीजन लेना, तो मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ कि हर साल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे आते हैं ना, उनमें 50% रिपीटर्स होते हैं और 50% वो होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। मैं जिस कॉलेज में मैंने MBBS किया है 2015 से 2020 में अमीरुद्दीन में, मेरी भी क्लास में अराउंड 50 बच्चे ऐसे थे जो रिपीट करके आए हुए थे और 50 हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स जिसमें मैं भी एक शामिल था। सो ये आपके माइंड में ख्याल होना ही नहीं चाहिए कि रिपीट करने से, एक साल, दो साल, तीन साल रिपीट करने से ना आपके साल वेस्ट हो जाएंगे ज़िंदगी के, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे, इट डज़ नॉट मैटर। एक दफ़ा आपका एडमिशन हो जाएगा, चौथी अटैम्प्ट में भी हो, पाँचवीं अटैम्प्ट में भी हो, इट्स मीन के नाउ यू विल बिकम अ डॉक्टर।
फर्दर बात आती है कि इज़ इट वर्थ इट कि आप 3 या 4 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट करें टू बिकम अ डॉक्टर, और उसके बाद कहते हैं कि जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, डॉक्टर्स को जॉब्स नहीं मिलती और वो जॉबलेस हो फिर रहे होते हैं, इससे अच्छा है कि आप किसी और फील्ड में जाएं वहाँ पर पैसा ज़्यादा है। तो अब बात आ जाती है कि वर्थ इट है कि नहीं है। देखें, हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, तो ये मसला ना हमारी कंट्री का है, हमारी फील्ड का नहीं है। जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं लाइक पाकिस्तान है, दुनिया में कोई भी कंट्री है, उसकी जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है उसके पैरेलल वो कंट्री अपने फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं उनको ग्रो नहीं करती, तो फिर ये जॉबलेसनेस नहीं, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, जो कि पाकिस्तान में भी क्रिएट हुई भी है। आज से 10 साल पहले नहीं थी क्योंकि तब इतने सारे डॉक्टर्स नहीं थे और फैसिलिटीज़ वही थी। 10 साल बाद आज भी वही फैसिलिटीज़ है लेकिन डॉक्टर्स की क्वान्टिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई भी है। सो वट वी कैन डू अबाउट इट, अगर लेट्स सपोज आपने सर्वाइव करना है सिचुएशन में, आप इस फील्ड में आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इस सिचुएशन से बचना चाह रहा हूँ, वट यू कैन डू अबाउट इट। इसका सिंपल तरीन सोल्यूशन है कि आप जो गवर्नमेंट है ना जॉब्स, आप उनको उनकी तरफ ना जाएं, आप ना अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जो भी इस तरह की अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, इनमें जो गवर्नमेंट लेवल पे अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो कम होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे ना अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहां पर उस तरह से गवर्नमेंट ग्रोथ नहीं कर रही होती उन इंस्टीट्यूट्स की, उन डिपार्टमेंट्स की, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज हो रही है। लोगों को तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए ही चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करे या ना करे, लेकिन उनको चाहिए। सो वो क्या करेंगे, अगर उनको गवर्नमेंट लेवल पे नहीं मिलेगी तो वो प्राइवेट सेटअप्स की तरफ जाएंगे, और फिर इस सिचुएशन में जो प्राइवेट सेटअप्स होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनको ग्रो करें। सो आज भी अगर कोई इंसान है MBBS करने के बाद उसको जॉब नहीं मिल रही, तो सिंपल है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दे, GP स्टार्ट कर दे, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, और ये मेरे सामने ऐसा होता है, मैंने देखा है। नाउ कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि आपका MDGAT रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई हैड अ जूनियर इन माई मेडिकल स्कूल जिसने 4th अटैम्प्ट पे 4th दफ़ा MDGAT दिया था, फिर उसका एडमिशन हुआ। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले उसे कॉल की, मैंने उससे बात की कि उसको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, और उसने वो ये डिसीजन लिया कि वो 4th अटैम्प्ट देगा MDGAT की, और उसके बाद उसका एडमिशन हुआ। सो द आंसर ही गेव मी, इसके उसको वो इस वजह से रिपीट नहीं कर रहा था कि उसको फैमिली प्रेशर था कि उसने डॉक्टर बनना है, उसको ना खुद से फील होता था कि वो ये क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आपके अंदर इस तरह का एक जज्बा हो ना खुद के अंदर से, एक कोई आवाज़ हो जो आपको कह रही हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, क्यों तुम कर पा रहे, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, और एक आपको जेन्युइन पैशन है इस चीज़ का, फिर आपको MDGAT रिपीट करना चाहिए। एंड माई जूनियर ऑल्सो टोल्ड मी कि उसकी एक फ्रेंड थी जिसने इस दफ़ा 6 अटैम्प्ट दी थी MDGAT की, इस दफ़ा उसका 94% एग्रीगेट बना, लाइक 2nd-3rd अटैम्प्ट के बाद उसने DPT में एडमिशन ले लिया कहीं पर, और उसके भी DPT के 3rd ईयर में वो आ गई थी, और साथ में वो MDGAT की रिपीट अटैम्प्ट दे ही जा रही थी, और इस दफ़ा जाकर उसका 94 एग्रीगेट बना, और ऑब्वियसली उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक हेयर के आपने अगर MDGAT रिपीट करना है तो आपके माइंड में ये क्लियरिटी ऑफ थाट होनी चाहिए कि आप क्यों रिपीट कर रहे हैं। इधर आप फैमिली के प्रेशर में कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे अनहैप्पी हैं, वो कह रहे हैं कि यू आर, वो समझ रहे हैं कि आप फेलियर हो, आपका MDGAT नहीं हुआ लेकिन दोबारा दो डॉक्टर बनो, या फिर आप खुद से चाह रहे हैं कि आपने बना, यू आर जस्ट अनविलिंग टू फील कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जब भी इस तरह के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आपने लेने होते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछते हैं कि वट यू आर अनविलिंग टू फील, आप यू आर विलिंग टू फील कि आपका एडमिशन हुआ, यू आर नॉट बिकम अ डॉक्टर, या फिर यू आर अनविलिंग टू फील इट कि नहीं भाई मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता, मैं ये फील ही नहीं करना चाहता कि मैं डॉक्टर नहीं। अगर इस तरह की आपके अंदर थॉट्स हो ना, आपके अंदर से जज्बा हो, फिर आपको ना MDGAT रिपीट करना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए। इट डज़ नॉट मैटर आपके 2-3 अटैम्प्ट्स में हो रहा है, इट डज़ नॉट मैटर, एक दफ़ा आप डॉक्टर बन जाएंगे तो यू विल बिकम अ डॉक्टर फॉर लाइफ। बाकी बात आती है कि इस फील्ड में पैसे नहीं है, लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे इसमें, तो मैं एक क्लियर बात करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी करते हैं, और मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो बिल्कुल अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे और वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें ना पॉइंट फिर से फील्ड का नहीं आता कि इस फील्ड का मसला है, ये मसला होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का, कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है या नहीं। पूरी दुनिया में जो IT का डिपार्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अर्निंग कर रहा है, तो क्या आपको IT में अर्निंग करने के लिए किस IT की कोर्स करना चाहिए, या आप एज अ डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या आप IT में अर्निंग बिल्कुल नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। IT के डिपार्टमेंट में अर्निंग करने के लिए ना आपको स्किल्स चाहिए, आपको डिग्री नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होती जो आपको एक डिग्री दे दे कि हाँ ये तुम्हारी डिग्री है, अब जॉब है तुम्हें ना इस तरह टॉप लेवल पर जॉब मिलेगी। ये सारी फील्ड्स ना स्किल्स बेस्ड होती हैं, और आप स्किल्स सीख सकते हैं, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। इसके लिए मतलब आपको स्पेशली डिग्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये स्किल्स वैसे सीखे और आप इस पर अर्निंग कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि MBBS कर लेना, एक डॉक्टर बन जाना बेसिकली एक एसेट है। उसकी आपको स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि उसकी वर्थ नहीं है, लेकिन
आप वंस यू बिकम अ डॉक्टर यू बिकम अ डॉक्टर फॉर लाइफ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जाता है आपका, और आप ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़े सीनियर होते हैं इसमें आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो दूसरे स्किल बेस्ड लर्निंग होती है IT, ये मोमेंटरली होती है, ये मतलब कि क्विक रिच स्कीम होती है कि आपको फ़ौरन अर्निंग इसमें होती है, आप फ़ौरन इसमें अर्निंग करते हैं। सो वट आई हैव सीन इज कि अगर आपको पैशन, आपको दिल से शौक है इस चीज़ में कि नहीं यार यू वांट टू बिकम अ मसीह, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ज़रूर इस फील्ड में आए, 2-3 साल डज नॉट मैटर एट ऑल। आप इन टाइम पे जब आप रिपीट करें, आप साथ में कुछ स्किल्स साथ साथ सीख सकते हैं, स्किल पॉलिश करें, और साथ में आप उस स्किल से अर्निंग भी कर सकते हैं। मैंने अपनी एग्जाम्पल दी आपको। सो वट आई कैन से एट दिस पॉइंट इसके ये सब जो डिपेंड कर रहा है ना, ये आपके ऊपर कर रहा है, पर आपने रिपीट करना है, आपके पास सॉलिड रीज़न है, आपको अपनी गलतियों का पता है, और आप मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। आज जाके 4-5 मिस्टेक्स ही हैं, यही मोस्टली होती हैं, अगर आप ये रिपीट नहीं मिस्टेक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका इन फ्यूचर एडमिशन हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे 2-3 केसेज, मैं आपको पॉजिटिव बातें तो बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव भी बताऊँगा। मैंने इस तरह के 2-3 केसेज ये भी देखे हैं जिन लोगों ने 3-4 दफ़ा रिपीट किया लेकिन उनका फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, और फिर उन्होंने फील्ड चेंज किया, लेकिन उनमें एक बात बहुत कॉमन थी और वो यही थी कि वो फैमिली प्रेशर में कर रहे थे। वो मोस्टली फीमेल्स थी और उनकी फैमिली कह रही थी नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है, फैमिली प्रेशर में वो कह रही थी। वो जो बच्चे होते हैं ना जो फर्स्ट रिपीट करने के बाद ही कहते हैं नहीं मैं नहीं रिपीट करना, आई डोंट वांट, इस मैं इस ट्रॉमा से नहीं गुजरना चाहता, तो उनको यकीन कर लेना चाहिए कि भाई ये फील्ड आपके लिए नहीं है। जो बच्चे होते हैं ना रिपीट करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं ये मेरा बेस्ट नहीं था, मैं इससे अच्छा कर सकता था, जिनको उसी दिन अपने माइंड में आता है कि नहीं ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये नहीं था, इससे अच्छा मेरा हो सकता था, वो लोग होते हैं जो रिपीट की तरफ जाते हैं और उनका होता है। लेकिन जो उसी दिन कह रहे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं इस ट्रॉमा से नहीं गुजरना, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर लोग उनको कन्विंस करते हैं कि तुम रिपीट करो, तुम कर सकते हो, तो उन लोगों को रिपीट नहीं करना चाहिए। आप डिसाइड कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लें। इफ अ पर्सन हैज ऑलवेज इमेजिन हिमसेल्फ इन अ वाइट कोट एंड ही लव्स दिस प्रोफेशन वेरी मच, दैट्स गुड, बट विद अ वेरी फ्यू पॉइंट्स फॉर एडमिशन में रह जाता है। अब उसके पास फर्दर मूव ऑन करने के लिए बहुत फील्ड हैं लेकिन वो खुद को सब में फिट नहीं कर पा रहा। सो माई क्वेश्चन इज़ के शुड आई रिपीट MDCAT? सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिसीव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका कुछ पॉइंट्स से मेरिट रह गया ना, 88 पे अगर मेरिट क्लोज हो आपका 86-87 है, तो हाईली सजेस्ट कि ना आप रिपीट कर लें। जो बच्चे होते हैं ना जिनका एग्रीगेट ही 78-80 बनता है, तो उनको नहीं रिपीट करना चाहिए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि एट द फर्स्ट प्लेस वो उस माइंड सेट में नहीं थे कि वो एडमिशन ले सके, इसलिए इनका इतना ज़्यादा फर्क आया। लेकिन अगर थोड़े पॉइंट्स का फर्क आया ना तो फिर आप रिपीट कर लें। लेकिन अब रिपीट जब करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो MDCAT हो गया है, उसके बाद वो 4-5 माह रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं फुल, उसके बाद 2-3 माह उनके डिप्रेशन में गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद 4-5 महीने रह जाते हैं, जब नेक्स्ट MDCAT की साइकिल आती है उसमें वो अकेडमी ज्वाइन करके पढ़ते हैं। इस तरह आपने नहीं करना, इसकी वजह से आप दोबारा फेल हो सकते हैं। फर्स्टली आपने ये करना है कि मैक्सिमम 1 मंथ या 1.5 मंथ आप रिलैक्स करें MDCAT के बाद, अपने जो इमोशंस हैं उनको अब्सॉर्ब करें, उनसे मूव ऑन करें आगे। उसके बाद जो फर्दर 10-11 महीने रहते हैं ना आप उसमें पढ़ना है, या आप अकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई रिपीटर सेशन ज्वाइन कर लें, या घर में खुद पढ़ें, लेकिन टेस्ट लाजमी करते रहें रोज़ाना। अगर 200 MCQs का आता है ना आपको पेपर, तो आप कोशिश करें कि 100 MCQs रोज़ाना आप सॉल्व करें, कोई टेस्ट सेशन आप खुद करें घर में। टेस्ट आपको हर अकेडमी के मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाते हैं ना, तो वो मसला ही नहीं होता, बस टेस्ट सॉल्व करते रहें रोज़ाना, एक चैप्टर पढ़ें, 2-3 चैप्टर पढ़ें, टेस्ट सॉल्व करें। तो ये पूरा अपना 11-12 महीने ना पूरी पेन लेनी है आपने नेक्स्ट MDCAT रिपीट करने के लिए, कि आप चीज़ों को सिंसियरली नहीं, आप सीरियसली कर रहे हैं कि यू कैन नॉट, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ भी आपके साथ गलत हो। जब इस तरह आप सीरियसली लेकर पेन लेके आप दोबारा रिपीट करते हैं ना, तो फिर मैंने देखा है कि 99% टाइम लोगों का MDCAT क्लियर हो जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है। मैं खुद अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, जब हम 7 या 8 लोगों का हम फ्रेंड्स का ग्रुप था, और उसमें जब हमने MDCAT दिया था तो उसमें से तकरीबन 2 या 3 का एडमिशन हुआ था, 4-5 का नहीं हुआ था। लेकिन उन सब ने पूरा अगले साल पेन ली थी, वो ये नहीं हो गया था कि इस तरह रिलैक्स हो गए थे बिल्कुल, वो 1-2 मंथ रिलैक्स करने के बाद प्रॉपर उन्होंने पेन लेके पूरा प्रॉपर तरीके से फुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा था। डेली वो 12-14 घंटे पढ़ते थे, उसके में 6-7 घंटे सोने के होते थे, फिर उनका एडमिशन हुआ था। ये सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में आपको आना पड़ता है। इस तरह नहीं कि आप रिलैक्स करके बिल्कुल एंड में 2-3 महीने में कर लेंगे, ये नहीं। वो फ्रेश बच्चे जो होते हैं ना वो उस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरा
ईयर एक पेन लेकर ना करना होता है, फिर आपके चांसेस बनते हैं कि आप एडमिशन ले सकें। सो अगर आपकी सिचुएशन है ना, आपको फुल यू ऑलवेज इमेजिन हिमसेल्फ टू बी अ डॉक्टर, तो फिर आपने ना प्रूव भी करना है कि यू आर गोइंग टू गेट द एडमिशन। इस तरह नहीं बिल्कुल रिलैक्स लेकर नहीं आपने करना है इस तरह। प्लीज़ गिव मी सजेशंस, मेरा MBBS में एडमिशन नहीं हो सकता, AHS में अप्लाई कर लूँ, और AHS में कौन से प्रोग्राम बेस्ट हैं? वेल, AHS इज़ अलाइड हेल्थ साइंसिस। अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा लेकिन आप चाह रहे हैं कि मेडिकल फील्ड को ही आप परसू करें, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन आती हैं, जिसमें DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आती है, फिर DVM मतलब डॉक्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज, उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट की फील्ड आती है, फिर AHS के अंदर फर्दर मजीद फील्ड आती हैं जिसमें ऑप्टिमिस्ट्री है, ऑडियोलॉजी है, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह की बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इसमें अगर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर कि आपको कौन कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए और फील्ड चूज़ करने के क्राइटेरिया कौन से हैं, ये नहीं कि आपको जिसका नाम अच्छा लग रहा है या जिसने आपको रेकमेंड कर दिया वो कर लें, उसमें भी एक प्रॉपर एल्गोरिदम इन्वॉल्व होता है कि आप किस फील्ड को फर्दर चूज़ करते हैं। सो ये मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसमें आपको उस तरह क्लियर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आप MBBS के अलावा AHS में किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, अगर आप पर्सनल लेवल पे अपना एक कोई सेटअप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के सेटअप बहुत ज़्यादा कम है, तो जिस फील्ड के भी सेटअप कम होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो कर सकते हैं। सो स्कोप इसमें है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, एक इंडिविजुअल लेवल पे है। आपका थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, आपको पता होगा कि आप इस फील्ड में डिग्री करते हैं, उसके बाद आप किस तरह से इसको सेल आउट करते हैं इन द फ्यूचर। अगर आपको उसका नहीं पता तो फिर आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और वो किस तरह से आपने फर्दर उसमें प्रोग्रेस करना है उसके भी डिफरेंट तरीके हैं कि आप किस तरह से इसको एस्टैब्लिश करते हैं। सो मैं जब AHS के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप सो ये वीडियो देख के आप ये डिसीजन ले सकेंगे कि आपको MDCAT रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर रिपीट करना चाहिए तो व्हाट इट टेक्स के नेक्स्ट टाइम आपका एडमिशन हो जाए। एंड लास्टली, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट फील्ड है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ प्रोफेशन, बींग अ डॉक्टर इज़ अ लाइफ स्टाइल। अगर आप ये लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसको इंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस फील्ड के अंदर आएँ, वट एवर इट टेक्स। लेकिन अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जिससे आप अर्निंग कर सकें और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल ज़िंदगी गुजार सकें, तो उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशन हैं, आप उनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं और एक करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू। अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम लग रही हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, तो आप किसी और कंट्री में चले जाएं जहाँ पर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, आप वहाँ पर अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली इट ऑल कम्स अप टू के आप ये एज अ डॉक्टर लाइफ स्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहते हैं या नहीं। डिसीजन इज़ अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ। सो अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर विल मेक यू फील फुलफिल्ड, तो आप ज़रूर इस फील्ड में हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बस कि कोई भी फील्ड में आप बस चाह रहे हैं कि आप सर्वाइव करें, या आप चाह रहे हैं कि आपने सिर्फ पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में ग्रो करना है, तो आप प्राइवेट सेटअप आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये पहले ही आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप नहीं प्राइवेट सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते, बिज़नेस वगैरह चीज़ें नहीं आपने करनी लाइफ में, तो फिर आप किसी और फील्ड की तरफ जाएँ, ऑब्वियसली सोचें, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रीरिक्विजिट्स बन गई हैं पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए, बीइंग अ डॉक्टर, तो ये करनी पड़ती है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, जब आप MBBS में आते हैं आपको पता लग जाता है, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, आपको थोड़ा बिजनेस के बारे में चीज़ें पता लगती हैं, तो आप ना इन चीज़ों को कर लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स के थोड़ी सी आपको फील होता है कि अनसर्टेनिटी है, इट इज़ है, लेकिन ये ना इंजॉयबल भी है, इट मेक्स यू ग्रो, आप इससे ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सो इन शॉर्ट, एक हसलर्स लाइफ स्टाइल है डॉक्टर्स का, कि आपको हसल करना पड़ता है इन योर लाइफ टू सक्सीड। और कुछ लोग इसको इंजॉय करते हैं, कुछ कहते हैं कि हाँ ये बोरिंग नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ है, अनसर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी है चीज़ों में, एंड दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस के हाउ लाइफ अनफोल्ड फॉर देम। कुछ लोग होते हैं कि बस वो मतलब चिल एंड पिल लाइफ गुजारना चाह रहे, तो कहते हैं कि इतने प्रेशर में, इतनी हसल में, इतने स्ट्रेस में पढ़ना ही क्यों है, तो वो ज़रूर किसी और फील्ड को चूज़ करें। मैं भी इस फील्ड में हूँ, तो मैं इसको प्रीच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही बेस्ट फील्ड है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। लेकिन आपको फिर उन फील्ड्स में जो लोग हैं, आपको उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे उस फील्ड के बारे में। एट द एंड ऑफ द डे है प्रोफेशन ही, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किन एक्सपीरियंसिस को फील करते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ, एक ही दफ़ा लाइफ मिलनी है आपको, तो डोंट लिव योर लाइफ विद रिग्रेट्स। आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आप जो भी डिसीजन लें आप उसको दिल से एक्सेप्ट करें, और यू स्टैंड बाय योर डिसीजन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट योर लाइफ टू बी, मतलब कि आपके रिग्रेट से बड़ी हुई योर लाइफ। आप जब एट द एंड ऑफ योर लाइफ आएँ, तो आप कहें कि हाँ आपने ज़िंदगी गुजारी है, अपनी मर्ज़ी से गुजारी है, आप जो डिसीजन लेना चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, आपने वही सब कुछ किया, क्योंकि दैट्स ऑल दैट मैटर्स इन द एंड। सो होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी मोर कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।